मुझे नहीं मालूम कि इस प्रोग्राम का थंबनेल आपने क्या रखा है, यानी नाम क्या रखा है, लेकिन मैं होता तो रखता यहाँ तो राम भी बिकता है। 1958 में मेरे ख्याल से हम और विनीत जी के अलावा कोई और शायद 5-6 साल का नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा याद है। ये पिक्चर आई थी साधना, उसमें वैजंती माला का डांस है और गाना है साहिर लुधियानवी का, बड़ा मकबूल गाना। वो डांस भी आज तक वो एक लैंडमार्क डांस माना जाता है वैजंती का। यहाँ तो हर चीज बिकती है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। मुझे लगता है कि ये अब ये इशू नहीं रहा। आप देखिए कितना बढ़िया लॉ था, ये लॉ दो लॉज को वायलेट किया, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट को वायलेट किया और जो यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स है उसको वायलेट किया। तकाजा ये था, हालांकि वो आपको बताना चाहिए था, मोडस ऑपरेंडी वो अशोक ने बताया, वो आप बता देते तो हम लोग का वक्त कम हो जाता। कितना खूबसूरत तरीका है कि आपने यही कहा ना कि दलित की जमीन नहीं दी जाएगी, नहीं लेंगे साहब, दलित एम्प्लॉय करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये महर्षि, और कितना बढ़िया बढ़िया नाम है इसका देख के, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बन जाता है और वो ट्रस्ट एक दलित को रखता है अपने लिए, और ये सारी जमीन वही दलित खरीदता है जिसका नाम है रोंगई। रोंगई एक महिला है और उसका पति है और उसकी बहू है, इन तीनों के नाम है। रोंगई, रोंगई का जो की बहू है उसका नाम है घबरैन रोगई, और कचराही, कचराही उसकी बहू है और पत्नी घबरैन है, और रोगई इसका मुख्य वो है जो कि ये ट्रांसफर करता है। वो अशोक ने सही कहा कि 2 बीघा वाला अचानक उसके पास अकूत पैसा आता है और वो ये सारी जमीनें खरीदता है। ये जमीन खरीद के उसको एक दिन ब्रह्म ज्ञान आता है और वो ये सारी जमीन जो एम्प्लॉय होता है जिस संस्था का, उसी संस्था को दान कर देता है। दान पात्र में लालू यादव जी को बहुत दान मिला था, कुछ जो उनके लोग थे वहां पटना में कई जमीनें उनको दान में मिली थी। ये मोडस ऑपरेंडी सेम होता है, लिहाजा दलित ने दलित को दान दी, वो दिया जमीन बेची, कहीं कोई गैर कानूनी नहीं है, जमीन बिक गई तो उसका ब्रह्म ज्ञान अगर राम के नाम पे आता है तो आप क्या कर सकते हैं। उसने वो उस ट्रस्ट को जिसका वो इम्प्लाई था उसको दान दे दिया। अब ट्रस्ट की जमीन हो गई तो सॉवरेन राइट्स हो गए, सॉवरेन राइट्स हो गए तो वो किसी कमिश्नर के ससुर जी को, जिनको जब जजमेंट हो जाता है तो उनको ये ब्रह्म ज्ञान आता है कि हम ये जो अयोध्या में बसेंगे, उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने इतना सब ले रखा है, ये जमीन यहाँ पे ले रखा है, तो उन्होंने कहा कि साहब बसना चाहते क्या दिक्कत है, भगवान राम के शरण में बसना चाहते इसमें क्या। और सबने यही कहा, हर अफसर के ससुर और दामाद और ससुर और साले ने यही कहा कि साहब हम तो राम के शरण में बसना चाहते हैं। ये जब जजमेंट हुआ था उसके पहले राम की याद नहीं थी, जैसे ही जजमेंट होता है और वो एक टूरिस्ट प्लेस बनता है जिसका कि वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो ये ब्रह्म ज्ञान सबको आ जाता है। अब हम इसको बताते हैं, अभी 2 दिन पहले बिहार में एक रेलवे स्टीम इंजन बेच दिया एक इंजीनियर ने, रेलवे का खड़ा स्टीम इंजन इंजीनियर साहब ने बेच दिया। और जब किसी ने पूछा, अच्छा आप सोच सकते हैं, और कबाड़ियों को बेचा, कबाड़ी ट्रक लेके आए और वो इंजन के टुकड़े टुकड़े करके निकाल के ले गए, कई बार ट्रक आई होगी। किसी ने जब पूछा तो उन्होंने एक कागज जैसा रुक्का सा दिखा दिया, बोले कि तो परमिशन है। जब पूछा गया डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर से कि भैया ये कोई परमिशन आपने दिया, बोले मुझे तो मालूम भी नहीं है कोई परमिशन, इस डिपार्टमेंट से तो कोई परमिशन नहीं किया है, हम करप्शन को लेके इतने मुतमईन हैं कि कमिश्नर साहब ऑर्डर भी देते हैं। अब यहाँ पे वायलेशन क्या है, इंक्वायरी करते हैं कमिश्नर के माथत लोग, यहां तक कि एक उसमें से है जो कि एडिशनल कमिश्नर है, एक है एडीएम है, ये दोनों स्टेट सर्विसेज से होते हैं, पीसीएस होते हैं, उनको जिंदगी भर एनआईएस के कब्जे में रहना होता है। बहरहाल उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें बाकायदे सेंक्शन भी कमिश्नर साहब ने कर दिया, और हिमाकत देखिए, ताजुब होता है देख के कि कितने मुतमईन है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस इंजीनियर को भी जब रेलवे इंजन बेचा था तो उसको यही लगा कि कुछ नहीं होगा, रेलवे पूरा रेलवे खा जाएंगे हम, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सेंक्शन भी कर दिया, रेवेन्यू बोर्ड में मामला सुनवाई में है,
लेकिन ससुर जी के ब्रह्म ज्ञान को क्या करें, ससुर जी को ब्रह्म ज्ञान आया जब इन्होंने खरीद ली। तो ये जो पूरा हो रहा है ये एक कंप्लीट इम्यूनिटी है कि नहीं कोई कुछ नहीं करेगा। और इसकी वजह क्या है आपके व्यूवर्स को ये जानना जरूरी। हम लोग करप्शन पे तो बहुत बात करते हैं, करप्शन दो तरह के होते हैं पूरी दुनिया में, पे ऑफ सिस्टम एंड शेकडाउन सिस्टम। शेकडाउन सिस्टम जो होता है उसमें दरोगा किसी को बुलाता है, कहता है सुनो 302 में बंद कर देंगे परसों वाली मर्डर में, वरना 5,000 रुपए दे जाना। भया दोहन कहते हैं, इस बाय शोइंग फियर ऑफ स्टेट अथॉरिटी व्हेन यू एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ दैट, दैट इज नोन एज शेकडाउन सिस्टम ऑफ करप्शन। ये शेकडाउन सिस्टम है। ये जो नमूना आप देख रहे हैं, या विदित जी जो कई बार लड़ चुके हैं, जो कि चंपत राय के खिलाफ भी हुआ था, ये पे ऑफ सिस्टम के करप्शन है। जिस सोसाइटी में ये घुस जाते हैं ये खत्म नहीं होते। इसको सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो मोयले के अंदर में बना था उसमें बड़ा बढ़िया रिकॉग्नाइज किया गया है। उसका शब्द दिया गया है कोल्यूजिव एंड कोएर्सिव फॉर्म ऑफ करप्शन। कोएर्सिव फॉर्म ऑफ करप्शन ये जो पुलिस के दरोगा करते हैं, कलेक्टरों ने ये बंद कर दिया, कहा ये क्या बकवास है 5,000 रुपए लेते रहते हो, हम तुम्हें ये बताएंगे कि रोड किधर से जाएगा, बस तुम जमीन खरीद लो, जैसे ही रोड निकलेगा तुम्हारी जमीन 10 गुना भाव की हो जाएगी। इसमें कोई भी कल वो नहीं, विक्टिम नहीं होता, विक्टिम सोसाइटी होती है। कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन में इंजीनियर ठेकेदार एक सहमत पे होते हैं, और जब पुल गिरता है, पुल में मसाला लगता है, एक एक का मसाला लगना है, स्पेसिफिक वो है नॉर्म है, उसमें 1-4 का 1-10 का मसाला लगा देता है, पुल 30 साल बाद गिरता है। तब तक ये इंजीनियर इंजीनियर इन चीफ बन चुका होता है, और जो ठेकेदार होता है वो मेंबर पार्लियामेंट बन चुका होता है। दोनों में इतनी ताकत होती है कि वो जब पुल गिरेगा तो इंक्वायरी को दबा सके। ये कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन खत्म नहीं होता जिस सोसाइटी में आ जाता है। नतीजा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन है। ये खत्म हो ही नहीं सकता जब तक कि स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ लॉज, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन हो। लेकिन होगी कैसे, एमपी साहब सरकार बचा रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर है उसका भी तो दामाद और ससुर होंगे ना, उसको भी तो ब्रह्म ज्ञान आएगा कि अयोध्या में जमीन ले लो। तो मुश्किल यह है कि भारत में कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन है। हमें कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, विनीत जी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन जिन सोसाइटीज में घुस गया है, और थर्ड वर्ल्ड खास करके जो हम लोग की कंट्रीज है, 1970 से भारत में यह सिलसिला शुरू हुआ जब डेवलपमेंट के फंड आने लगे, तो कलेक्टर ने कहा कि क्या क्या चिंदी चोरी करते हो, 5-5 रुपए क्यों लेते हो, सीधे सीधे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका माल खाओ। तब से ये आईएएस अफसर और इंजीनियर एक नेक्सस में बैठ गए, और अफसर जब आईएएस होता है तो ठेकेदार, इसमें भी एक है जो कि बिल्डर बहुत बड़ा कॉलोनाइजर है जिसका दामाद आईएएस है, तो आईएएस से शादी करते हैं अपनी बेटी की, बेटी फर्म में नौकरी कर वो हो जाती है, पार्टनर हो जाती है, और आईएएस साहब का पैसा पूरी तरह से वो वाइट होने लगता है। तो ये प्रोसेस है इसका। इस तरह के करप्शन खत्म नहीं कर सकते भारत से जब तक स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ लॉज नहीं बनेंगे और जीरो टॉलरेंस नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये जो नमूना आप देख रहे हैं ये एक अद्भुत कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन का, सहमति से जो करप्शन होता है उसका एक आइडियल केस है जिसको स्टडी करना चाहिए। हम सब जो स्टूडेंट हैं करप्शन के इंडिया में, उसको ये स्टडी करना, विदित जी को खास करके हम कहेंगे डीपली स्टडी कीजिए, तो आप पाएंगे कि कोल्यूजिव फॉर्म ऑफ करप्शन को हटाने के लिए, हालांकि मोयली ने उस अपने रिपोर्ट में कहा है कि स्ट्रॉन्ग लॉज आप लाइए और ओनस प्रोबेबिलिटी इसका शिफ्ट करिए एक्यूज्ड पे, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो हो एक्यूज्ड पे हो कि भाई डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, आपने ये नहीं किया, ये प्रूफ आप कीजिए। आपके ससुर जी करके ये निकल जाएंगे कि साहब अब हमारी उम्र बुढ़ापे की है, हम अयोध्या में राम के शरण में रहना चाहते हैं, सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, कलेक्टर साहब ये भी पता करिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था तो आपने रिक्यूज क्यों नहीं किया, आपने वहां से अपने को निकाला क्यों नहीं, कि भाई हमारे ससुर ने ले रखा है, हम इसमें नहीं सहमति देंगे, हम इसमें कोई भी एक्शन नहीं। के फेरों में राम लेंगे शर्वरी के झूठे बेरों में, कहां कौन से राम को ढूंढ रहे हैं ये जमीनों खरीद खरीद के पैसे का ढेर लगा रहा।
नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि राम ये लाए क्यों थे। जब इनकी सारी चीजें फेल हो गई तब ये राम लाए थे 1984 में। आपको याद होगा कि सिर्फ 7% वोट मिले थे और 7% वोट के साथ 2 सीटें मिली थी, तब ये राम को लाए थे। तब से काफी कुछ बदला, लेकिन दरअसल भारत का जो हिंदू समाज है ये वो लिबरल है तासीरत, लिहाजा आज भी जब मोदी जी का इतना बड़ी मकबूलियत है तो भी आपको 36% ही वोट मिलते हैं, हिंदू 79.6% है। तो अगर आपकी मकबूलियत के बावजूद ये हिंदू नहीं आ रहा है तो इसके पीछे है कि वो लिबरल है। आप तबरेज, अखलाक, पहलू खां, जुनैद सबको मार दे, इसके बाद भी आपको वोट वो नहीं देता है। तो ये जो करप्शन आपने किया है, अच्छा है कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा इस तरह के डिस्कशन से कि समाज में जागरूकता बढ़ेगी कि अच्छा ये इस तरह के भी करप्ट हैं, यहां राम बिक रहा है। और कोई ताजुब नहीं कि ये कल राम पे एक प्रीमियम लगा दे कि यहां पे जमीन लोगे तो इतने रुपया खाते में जमा करना पड़ेगा, पैसा लेने लगे तो राम बिकता है। अनफॉर्चुनेटली राम बोलता नहीं है पर मारता बहुत है, ये राम की अति तासीर है। राम का एक टिपिकल स्टाइल है कि ये बोलता नहीं है। अच्छा, वो इसकी मुश्किल ये है कि वो शेर हम अक्सर कहते हैं, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है, इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि ये मालूम होता है नहीं मालूम होती है। क्या बात है। यही है कि पता किसी को नहीं चल रहा है और ये पता चलता जाता है। तो ये जो करप्ट बैठे हैं ना सिस्टम में, इनको लग रहा है कि कोई समझ नहीं पा रहा है। हम MRVT से ट्रस्ट से करा लेंगे, ट्रस्ट में एक दलित को बैठा देंगे, दलित से फिर खरीद लेंगे, ये सामने आता है। और तब समाज क्वालिटेटिवली बदलता है अपने को और ये गुस्सा आता है। तो जो आप देख रहे हैं ना, ये धीरे से गुस्से में बदलेगा समाज के और चीजें बदलेगी। आप ना हो ये, आप बड़े आराम से कर सकते हैं भगवान के नाम पे उन्होंने जमीन लिया है, अब हम क्या करें। लेकिन वो जो दलित है, और दलित क्यों है, हम सब लोग ये देख रहे हैं, समाज देख रहा है, इसका रिपिल इफेक्ट होता है, थोड़ा स्लो होता है, भारत में थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर ये इफेक्ट होगा।